डॉक्टर मुत्थु लक्ष्मी रेड्डी। तमिलनाडु के पुडुकोट्टई में 30 जुलाई 1886 को जन्म हुआ। उनके बारे में क्यों जानना चाहिए? देवदासी प्रथा सती का रूप है और ये एक धार्मिक अपराध है। मद्रास विधायिका परिषद में मुत्थु लक्ष्मी रेड्डी ने देवदासी प्रथा के विरोध में भाषण दिया और देवदासी प्रथा को खत्म करने का प्रस्ताव रखा। वे मद्रास विधायिका परिषद की पहली महिला उपाध्यक्ष थीं। वे मद्रास मेडिकल कॉलेज में सर्जन बनने वाली पहली महिला भी बनी। उनके पिता महाराजा कॉलेज में प्रधानाचार्य थे और माँ देवदासी थीं। महाराजा कॉलेज में उन्हें लड़की होने के कारण दाखिला नहीं मिला। पढ़ाई में अच्छा होने के कारण पुडुकोट्टई के राजा ने उनकी मदद की और पढ़ाई के लिए वजीफा भी दिलवाया। वे समाज सेविका एनी बेसेंट और महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थीं। मद्रास विधायिका परिषद में उन्होंने कई कानून पारित कराने में मदद की, जिसमें मद्रास देवदासी निषेध एक्ट सबसे अहम है। इस कदम से क्या बदला? इससे देवदासी प्रथा को खत्म करने में मदद मिली। इस प्रथा में युवा लड़कियों या महिलाओं को भगवान की शरण में दे दिया जाता है। देवदासी और उनके बच्चों को आसरा देने के लिए उन्होंने अव्वई घर की शुरुआत की। उन्होंने महिलाओं के देह व्यापार और बच्चों की तस्करी रोकने का काम भी किया। उन्होंने अडयार कैंसर इंस्टीट्यूट भी बनवाया, जिसमें आज भी कैंसर मरीजों का इलाज होता है। डॉक्टर मुत्थु लक्ष्मी को मेडिकल और समाज सेवा के लिए पद्म भूषण से भी नवाजा गया।